वो ऑर्गेनिक खाद 500 ग्राम्स के आसपास ले लीजिए। इससे कम या ज़्यादा भी आप ले सकते हो, इसमें ऐसा कोई मिथ नहीं है कि पर्टिकुलर क्वांटिटी ही लेनी है। 100 ml के 5 कप्स डालूंगा, यानी 1 लीटर वाटर के आसपास कंपोस्ट ही, और बाकी 9 लीटर वाटर को अच्छे से मिक्स करूंगा। क्या आप कोई ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तलाश में हो जिससे आपके फ्रूट प्लांट्स वेजिटेबल्स तेजी से ग्रो भी करे और साथ साथ उनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी हो, तो ये वीडियो आपके बड़े काम का है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। गार्डनिंग में बेस्ट वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लूमिंग एंड फ्रूटिंग के लिए, यानी बेस्ट रिजल्ट के लिए एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है, जिसको एक बहुत ही स्पेशल तरीके से प्रिपेयर करना होता है। ये वो तरीका है जो दुनिया के बेहतरीन ऑर्गेनिक गार्डनर फॉलो करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो भी अवेलेबल ऑर्गेनिक खाद हो, जैसे मैं ये वेल रोटेड काउ मैन्योर यूज कर रहा हूँ, आप कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हो। उसके बाद एक कॉटन का कपड़ा लीजिए और उसमें वो ऑर्गेनिक खाद 500 ग्राम्स के आसपास ले लीजिए। इससे कम या ज़्यादा भी आप ले सकते हो, इसमें ऐसा कोई मिथ नहीं है कि पर्टिकुलर क्वांटिटी ही लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस कंपोस्ट ही बनाने का मेथड और स्पेशली उसको प्लांट में देने का तरीका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने ये बकेट में 10 लीटर्स वाटर लिया है। आप आपके प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाटर ले सकते हो। बस याद रखिए, इसमें अच्छे से कंपोस्ट बैग को डिप करना है, जिससे इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स और बेनिफिशियल माइक्रोब्स ही एक्सट्रैक्ट होंगे और खाद में मौजूद बैड पैथोजन और बैड फंगस बैग में ही रहेंगे। कुछ घंटे बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाती है। आप चाहे तो इसको रात में डिप करके रखिए और मॉर्निंग में यूज कीजिए। मैं इसको एक बार में ही पूरा यूज कर लेता हूँ। अगर ये बच जाए तो इसको नेक्स्ट टाइम यूज करने तक हर रोज 4 से 5 बार अच्छे से डिप करते रहता हूँ, जिससे वाटर में न्यूट्रिएंट्स और बेनिफिशियल बैक्टीरिया एक्टिव रहते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कंपोस्ट के न्यूट्रिएंट्स और बेनिफिशियल बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे और बैड स्मेल आना शुरू हो जाएगी। अब मैं ये 10 लीटर्स के वाटर कैन में 200 ml के 5 कप्स डालूंगा, यानी 1 लीटर वाटर के आसपास कंपोस्ट ही, और बाकी 9 लीटर वाटर को अच्छे से मिक्स करूंगा। और एवरी नेक्स्ट डे ऑफ वाटरिंग, यानी जब भी वाटरिंग करूंगा उसके नेक्स्ट डे ये अपने सारे प्लांट्स को अच्छे से भर के दूंगा, जिससे इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स और बेनिफिशियल बैक्टीरिया पूरे पॉटिंग मिक्स में फैल जाएंगे और अपना काम शुरू कर देंगे, जिसके रिजल्ट में आपको ये बेस्ट ग्रोथ और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मिलेगी। इसके अलावा पॉटिंग मिक्स का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जिसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने कुछ हफ्ते पहले अपनी एक वीडियो में बताया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रहा हूँ, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। तो आप भी ये मेथड को फॉलो कीजिए और बड़े आसानी से अपनी बालकनी या टेरेस पे वेजिटेबल्स और फ्रूट प्लांट्स ग्रो कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप भी गार्डनिंग सीखते रहे, सिखाते रहे और देखते रहे स्मार्ट गार्डनिंग।